Hello guys, I'm Faisal. I'm your English trainer. Okay guys, let's start another chapter, another class, all right? In previous class, मैंने आपको बताया था कि what exactly the importance of pronunciation, pronunciation की क्या importance है, क्या अहमियत है, और English में ये किस तरीके से हम लोग जो हैं इस चीज़ को improve कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा. Okay. सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट, सबसे पहले तो हम कुछ ऐसी गलतियों को उजागर करूंगा, मैं कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स को बताऊंगा जो हम लोग यूजुअली फॉलो करते हैं अपने इंग्लिश प्रोनंसिएशन में. क्या गलतियां करते हैं हम लोग? सबसे बड़ी गलती होती है कि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज जो हम सीखते हैं बचपने से, मान लीजिए हम लोग की यूजुअली हिंदी मेरी तो नेटिव लैंग्वेज है, मेरी मदर टंग है, तो जब हम लोग कक्षा में नहीं, छोटे छोटे बच्चे हम लोग होते हैं कक्षा प्री प्रेप उसमें बैठते हैं क्लास में, तो हम लोगों को सबसे पहले हमारी नेटिव लैंग्वेज सिखाई जाती है. तो हम लोग हिंदी पढ़ना कैसे सीखते हैं, लिखना कैसे सीखते हैं, यूजुअली पढ़ना कैसे सीखते हैं, जब हिंदी का प्रोनंसिएशन होता है उच्चारण, तो एग्जैक्टली हिंदी इट्स अ साइंटिफिक लैंग्वेज, ये एक वैज्ञानिक भाषा है, पाई मात्रा और उस पर आधारित है, इसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते. एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, अगर आप ए की मात्रा किसी लेटर पे लगाते हैं हिंदी लेटर में, तो वो ए ही पढ़ा जाएगा. मान लीजिए का में आपने ए की मात्रा लगाई, के ला, ठीक है, ठे ला, तो वो केला ठेला मेला एज इट इज सेम वर्ड रहेंगे, आप उनको केला या कूला या कीला या मीला नहीं कह सकते. इसी तरीके से अगर आप कोई ई की मात्रा लगाते हैं किसी में, जैसे मीना गीता, ठीक है, तो वो ई की मात्रा ही रहेगी, वो वर्ड आपके मीना गीता ही पढ़े जाएंगे, ठीक है, या ऊ की मात्रा या अंके बिंदी. तो ये कुछ ऐसे बेसिक हिंदी टर्म्स हैं जो हम लोग जब शुरुआत में पढ़ना शुरू करते हैं क्लासेस में तो हम लोगों को बताया जाता है. अगर मैं बताऊं तो इसे शायद कहते थे, जब मैं स्कूल में था इसे कहते थे हिज्जे लगाना, यानी जब हम लोग हिंदी सीख रहे थे, जैसे का बा में बड़े ऊ की मात्रा, बू त र कबूतर, क म ल कमल. तो ये क्या करते थे हम लोग, हिंदी लेटर्स को आपस में मिलाते थे और बोलते थे, प्रनाउंस करते थे, और यही सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करने लग जाते हैं इंग्लिश में. ऑलराइट, और अक्सर स्कूल में भी इस तरीके से भी सिखा दिया जाता है, तो बच्चे वही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं और यहीं से गलतियां शुरू होती हैं. देखिए, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिल्कुल डिफरेंट भाषा, आप इनको आपस में मिला नहीं सकते. हिंदी पढ़ने का तरीका दूसरा है और इंग्लिश पढ़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इंग्लिश में पाई मात्रा का या कोई साइंस का सिद्धांत नहीं होता है. जरूरी नहीं इंग्लिश में जैसा लिखा हो वैसा ही पढ़ा जाए. आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा टी ओ टू, आप क्या पढ़ेंगे इसे, G-O-2. अगर इसी के पैरेलल में एक वर्ड लिखता हूं G-O, अगर हम यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करें तो इट वुड बी गू, नॉट एट ऑल, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ जोक. ऑलराइट, तो G-O, go, but T-O, two. वी मे हैव अनदर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं B-U-T, but. ओके, सिमिलरली B-U-T, but एंड P-U-T, put or put, all right, P-U-T pronounced put, but B-U-T pronounced but, all right. हम चाहें भी तो हम इन प्रोनंसिएशन पे कोई भी चेंज, मतलब हम चेंजेस नहीं कर सकते, यानी B-U-T को हम बुट नहीं कर सकते, P-U-T को हम पट नहीं कर सकते, वी can't चेंज, क्योंकि जो जैसा प्रोनंसिएशन एग्जैक्टली इंग्लिश में है या दिया गया है हमको उसको प्रोनाउंस करना. तो ये गलतियां हम लोग करते हैं, हिंदी वाला पैटर्न हम इंग्लिश में ले आते हैं, ये कुछ सिली मिस्टेक्स हैं. ये बहुत बड़ी बज़ाहिर दिखने में तो ये बहुत छोटी गलतियां लगती, पर ये बहुत बड़ी गलतियां हैं, ये आपकी इंग्लिश को खराब कर देती हैं, आपके प्रोनंसिएशन को बर्बाद कर देती हैं. एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, कुछ सिली एग्जाम्पल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई लेटर है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, W A L L, ठीक है, तो W से साउंड जाहिर सी बातें बताया गया है, वा आता है, ठीक है, अगर हम A जोड़े तो हम पढ़ेंगे वाल,
सिमिलरली टी ए एल एल, अगर हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो ये कहलाएगा अकॉर्डिंग टू मी इन अ हिंदी वे लाइक टाल, एम ए एल एल माल, सी ए एल एल काल, है ना. इज इट द वे टू प्रोनाउंस द वर्ड्स काल माल टाल बाल? नॉट एट ऑल, एब्सोल्यूटली डिसगस्टिंग, बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है. ऑलराइट, तो यहां पर होगा W A L A L L. इट्स नेवर बी वाल, इट्स अ वॉल. आपको क्या करना है इस साउंड में, आप अगर हिंदी में मिलेंगे तो वाल लिख के इस पे आधा चांद बना देना है और फिर ला. ओके, यानी कहने का मतलब है इस आधा चांद, नाइदर ओ साउंड नॉर आ साउंड, इट्स इन मिडल. ओ, कैसे आप साउंड को बोलेंगे? ओ, यू हैव टू किस योर फिंगर एंड देन स्पीक ओ. ओ राइट, इट्स जस्ट लाइक वॉल. ओके, टी ए एल एल टॉल, एम ए एल एल मॉल, सी ए एल एल कॉल, ऑल मॉल टॉल कॉल वॉल. इट्स नेवर बी आल माल वाल टाल काल. ओके, तो लोग बोलेंगे मैं शॉपिंग मॉल में खड़ा हूं, इट्स नॉट, आई एम स्टैंडिंग इन अ शॉपिंग मॉल. राइट, इट्स अ वॉल, इट्स नेवर बी इट इज अ, दिस इज अ वॉल, इट्स नेवर बी वॉल, इट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन इज वॉल. जैसे हमने कहा लैंग्वेज में, हमने कहा कि रवि एक लंबा लड़का है, रवि इज अ टॉल बॉय, कम ऑन, एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट्स रवि is a tall boy. Okay, तो ये कुछ छोटी mistakes हैं पर वाकई बहुत बड़ी mistakes बन जाती है जब हम English में बोलते हैं. आपको इन सब चीजों को cover up करना है, इनको सीखना है कि ये गलती हमें नहीं दोहरानी है. Let's have some more example. Means what more silly mistakes we people make. Okay, जैसे मान लीजिए आपने सबसे जो बड़ी दिक्कत English में होती है, the biggest problem of pronunciation in English, usually people jo native speakers hai, they are not able to differentiate between sha and sa sound. Sha and sa sound, both are completely different sounds. All right, aapko yakeen nahi hoga, jab maine pehli baar interview diya tha, company ka naam tha Global Vantage, it's a BPO. All right, एंड सबसे पहला इंटरव्यू मेरा वहीं था बीपीयू में, उसमें कई राउंड हुए, तो मैं इसमें जो पहला राउंड था पीआईआर राउंड, अच्छे खासे लोगों ने इसमें अपीयर किया था, बहुत से इसमें लोग आए थे, स्टूडेंट्स आए थे, यंगस्टर्स थे, ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे काफ़ी लोग थे, जाहिर सी बात है इट वॉज एन मल्टी नेशनल कंपनी इट वॉज, तो उसमें लोगों ने सब लोगों ने आए और इंटरव्यू के लिए बैठे, और यकीन मानिए आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो थे पहले ही राउंड में आउट कर दिए गए. तो व्हाट वाज देयर मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक्स थी? असल में जब उनसे पीआईआर राव पर्सनल इंट्रोडक्शन लिया गया, तो मोस्टली पीपल ने जो गलती की शा एंड सा साउंड में. ऑलराइट, और यस, हम लोगों को कुछ हिंदी वर्ड्स दिए गए थे जिनको हमें प्रोनाउंस करना था. आई स्टिल रिमेंबर दैट शक्कर, शादी, शीशा, शर्मा, शुक्ला, एंड मोस्टली पीपल वर प्रोनाउंसिंग शक्कर, शादी, शीशा, शर्मा, शुक्ला. दैट वाज कंप्लीटली अ ब्लंडर, इट वॉज अ ब्लंडर. ऑलराइट, लोगों ने इसमें गलती की और लोगों को पहले ही राउंड से आउट कर दिया गया, स्पेशली द पीपल, ऐसे लोग जो शा और सा, जा और जा साउंड में फर्क नहीं कर पाते थे. ठीक है, have you got it? चलिए लेट्स टॉक अबाउट शा और सा साउंड इन इंग्लिश. लेट्स टॉक अबाउट कुछ इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंस करते हैं विच स्टार्ट्स. अच्छा हाँ, शा साउंड आता कहां से? Sha sounds produced by letter whenever we two letters come together. जब दो letters हम एक साथ लेते हैं S and H. जब हम S और H लेते हैं usually, nothing is 100% in English language. जब हम S और H लेते हैं दोनों letters together, तो ये जो है sha sound produce करते हैं. Example, S H E she, S H A L L shall, S-H-O-U-L-D should, S-H-O-W show, she, shall, should, show,
या सम मोर वर्ड्स आप ले सकते हैं, ठीक है। कहां पे सा साउंड आता है इन इंग्लिश? सा साउंड आता है वेन एवर वी टेक द लेटर एस, जब हम लोग एस लेटर लेते हैं तो एस लेटर यूजुअली सा साउंड को प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल एस डबल ई सी, राइट, एस आई एन जी सिंग, एस ओ एन जी सॉन्ग, राइट, एस सी ई एन ई आर वाई सीनरी। ओके, तो ये कुछ वर्ड हैं जो हम लोग इंग्लिश में जो प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो सा साउंड प्रोड्यूस होता है एस के द्वारा। जब सम मोर वर्ड्स यू मे टेक लाइक सिंग, सीनरी, सी, सॉन्ग, सॉफ्ट, सम वर्ड्स आप ले सकते हैं इंग्लिश में। ऑलराइट, अब ये रूल मोस्टली आप लोग जानते होंगे कि एच एच प्रोड्यूस शा साउंड एंड एस प्रोड्यूस सा साउंड। ओके, कभी कभी टी से भी शा साउंड आ जाता है, फॉर एन एग्जाम्पल टी ई एन टी आई ओ एन। कभी भी कोई वर्ड अगर इंग्लिश में टी आई ओ एन से एंड होता है तो वो शा साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे टेंशन है ना, एम ई एन टी आई ओ एन, मेंशन। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये मैंने आपको बताया शा और सा साउंड के बारे में क्लियरिटी, राइट। कुछ इसमें और गलतियां हैं, कुछ और बातें हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओके, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल प्रैक्टिस एट योर होम। आप अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे, शा सा न्यूज़पेपर पढ़िए, जो वर्ड्स आते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करिए, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर प्रोनंसिएशन। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।